नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीम की निमोली का तेल निकालने की विधि के बारे में। दोस्तों, इस विधि के द्वारा हम जो है नीम की निमोली और बादाम और अरंडी का तेल आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी अपने घर के जो आसानी से उपलब्ध होने वाले संसाधनों से। हम जो है ये तेल निकालने की विधि आपको हम बताएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको जो है एक मटका लेना है और उसके नीचे वाला जो है हिस्सा उसको आपको काट देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस वाले हिस्से को जो है आपको इसमें रखना है। ये सब आपको लोहे का एक बना लेना है, या फिर इसके स्थान पे आप जो है चूल्हे पे भी यह काम कर सकते हो, लेकिन हम जो है निरंतर ये तेल निकालते हैं, इसलिए हमने एक बनवा लिया है। आप भी लोहे का जो है एक ऐसा बना सकते हो। इसके बाद में आप इसको इस तरह से रख लो, और इसके बाद में आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है। ये इस पात्र में अपन को क्या डालना है, निमोली डालनी है। हम इसमें निमोली डाल रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल विधि है, जो हमारे घर में जो संसाधन है उसी के द्वारा जो है हम तेल निकाल सकते हैं। हमें जो है औषधियों का तेल निकालने के लिए जो है हम इस विधि का उपयोग करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक अलग पात्र ऐसा लेना है जो जिसके अंदर आपको छेद करने है, अंदर बिल्कुल देख सकते हो आप छेद करके। फिर आपको क्या करना है, सिंपल सा है, इसको जो है इस पात्र को दोनों को जो है आपको बंधन करना है, ऐसे जोड़ देना है, यानी मिट्टी टिन लगानी ऐसे रख के, फिर इसको ऐसे उल्टा करके फिर जो आपको इसमें रख देना है। इसके बाद में दोस्तों अपन क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो हम ये कंडे हैं वो जो है इसमें ऊपर रखेंगे। उसके बाद में हम इसमें जो आग लगाएंगे। तो ये तेल जो है निकल रहा है, तो इस तरह से अपन चाहे नीम का निमोली का तेल हो, अरंडी का तेल हो, या चाहे बादाम का तेल हो, हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये जो तेल जो है अब जोड़ लिया, मैं तो तेरी मेहनत करी, पानी फेर दिया जैन को।